हो गए। भगवान ने समझाना चाहा, कौरव माने नहीं और महाभारत का युद्ध ठन गया। 18 अक्षौणी सेना एकत्रित हुई, 18 अक्षौणी सेना। एक अक्षौणी सेना कितनी होती कल सुन चुके हैं, 21,870 रथ सवार, 21,870 हाथी सवार, 65,610 घोड़े सवार, 109,350 अक्षौणी सेना इकट्ठी हुई, 11 अक्षौणी कौरवों की, 7 अक्षौणी पांडवों की। ये प्रसंग भगवान के रक्षकत्व पर विश्वास दिलाने के लिए ही है। किन्हीं महात्मा कि पहले 9 अक्षौणी सेना दोनों की थी, कौरवों की और पांडवों की, लेकिन कौरव ने एक जगह छल किया, दूसरी जगह भगवान ने कौरवों के मन की बात पूर्ण कर दी। वो हुआ क्या था? वो घटना यह थी कि जब युद्ध का निश्चय हो ही गया तो कौरव पांडव तमाम राजाओं से सहयोग सहायता मांग रहे थे। इसी क्रम में कौरव पांडव दोनों भगवान के पास भी सहायता मांगने गए थे। दुर्योधन जाकर के भगवान शयन किए हुए हैं तो भगवान के शीश की तरफ बैठा, इसको अपने ऐश्वर्य का, अपने हस्तिनापुर युवराज होने का अभिमान था, तो उस भगवान के सिर के तरफ बैठा। भगवान शयन के विश्राम कर रहे हैं, थोड़ी देर में अर्जुन भी पहुंचे, भगवान के चरणों के समीप जमीन पर ही बैठ गए। कुछ काल बीता, भगवान जागे निद्रा से, उठ करके बैठे और तुरंत दृष्टि पड़ गई भगवान की अर्जुन के ऊपर। पार्थ कब आए? जो चरणों में रहेगा उसके ऊपर तो सदा कृपा दृष्टि रहेगी, हर जो सिर पर बैठना चाहे वो गिरता है तो दुर्गति प्राप्त करता है। भगवान के चरणों में रहने का प्रयास करना, भगवान के चरण सुनोगे, भगवान के द्वारा अपना लिए गए तो भगवान के चरणों में रहो। भगवान ने कहा, पार्स कब आए, कैसे आना हुआ? आनंदित हुए अर्जुन को देख करके इतने में पीछे से तपाक से बोला, केशव पहले मैं आया हूं। भगवान घूम करके बैठ गए, अच्छा हस्तिनापुर युवराज दुर्योधन जी स्वागत, कैसे पधारना हुआ, कहिए।
बोला युद्ध का निश्चय तो हो ही गया, आप जानते ही हैं। हाँ, सहायता मांगने आए हैं। भगवान ने कहा देखिए दो विकल्प हैं, एक मेरी नारायणी सेना, एक स्वयं मैं अकेला निहत्ता कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्या चाहिए ले लीजिए। अहंकारी अज्ञानी जो होता है वो ऐसे ही मांगता है। कहा तो क्या करूंगा आपको लेके, आप रहो यहीं। हाँ सेना दे दो। भगवान से सेना लेकर के चला गया। अर्जुन से कहा कहो पार्थ धनंजय कैसे आना हो। कहा केशव हम भी तो ऐसी क्षुद्रता पूर्ण मांगने वाले हैं, शायद ही तो मांगने आए हैं। भगवान ने कहा एक विकल्प नहीं रहा तुम्हारे लिए, केवल मैं बच्चा हूं, चाहिए तो ले लो। पहले दो विकल्प थे, कहो क्या चाहते हो भगवान से। इस बात को सुनकर के अर्जुन ने प्रार्थना की केशव अरे जिस नारायण के रहने से, जिस नारायण की शक्ति से नारायणी सेना बोली जाती है, नारायण की सेना, और जिस सेना का कोई पारावार नहीं, ऐसे नारायण ही जब मुझे प्राप्त हो रहे हैं अपनी कृपा से तो क्या करूंगा सेना लेकर के, आप ही चाहिए, आप मार्गदर्शन करें, आप मार्ग बतावें, रास्ता दिखावें, बस आप रक्षा करेंगे सब ठीक है, मंगल है, जैसा आप कहें वैसा करेंगे। भगवान आ गए, अर्जुन के सारथी बने, सारथी का काम भी मार्गदर्शन करना है, सही रास्ते से रथ को चलाना। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में सब इकट्ठे हुए हैं, तो वो एक अक्षौणी सेना छल से किसी और की ले ली थी, मद्र नरेश को बहका करके दुर्योधन ने अपनी तरफ कर लिया था, और भगवान की एक अक्षौणी सेना को भी ले लिया था, तो इस तरह से वो दो अक्षौणी सेना जो पांडवों की तरफ की थी वो वहां चली गई, इसलिए इधर 11 अक्षौणी और इधर 7 अक्षौणी है। वही युद्ध भूमि में खड़े हुए अर्जुन ने कहा केशव रथ को बीच में ले चलिए। दोनों सेनाओं के बीच में ला करके भगवान ने रथ को खड़ा कर दिया, और अर्जुन कहने लगे मैं युद्ध नहीं करूंगा। कहा क्यों। बोले किसके लिए युद्ध करूं, जिसके लिए युद्ध करना, युद्ध करके जो राजपाट प्राप्त करेंगे वो तो सब मरने को तैयार खड़े, और मर ही गए तो किसके लिए राजपाट प्राप्त करूंगा, युद्ध करके क्या करूंगा, और इससे तो महापाप होने वाला है, इतनी हिंसा होगी, तमाम इतने सैनिक योद्धा मारे जाएंगे, इनकी स्त्रियां इनके बच्चे शेष रह जाएंगे, और इन सब पुरुषों के मारे जाने पर स्त्रियों के साथ अनाचार होने लग जाएगा, दूसरे पुरुष कुभाव कुदृष्टि खराब आचरण वाले लोग स्त्रियों के साथ अनुचित आचरण करेंगे, स्त्रियां भी कोई उच्छृंखल हो गई होंगी ही, पर पुरुष से संबंध होगा तो ऐसे अनुचित संबंध से जो संतानें उत्पन्न होंगी वह सब वर्ण संकर होंगी, वर्ण संकर संतान होकर के अनाचार दुराचार ही करेंगी, संसार में पाप फैलेगा, सबका जिम्मेदार केशव कौन होगा, मैं ही तो होऊंगा, भगवान ने समझाया नहीं। और तब भगवान ने कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग कर्म संन्यास योग शरणागति योग इत्यादि समझा करके अर्जुन को निश्चिंत कर दिया। भगवान वहीं उस युद्ध भूमि में खड़े होकर के अर्जुन को क्या समझा रहे हैं, कहिया जो तुम्हारी दशा है ना, ये जो जीवात्मा मेरी बात नहीं मानता, मेरी चरण शरण ग्रहण नहीं करता, उसी की दशा है, क्या समझा रहे हैं भगवान, सुनिए ध्यान से। बोले अर्जुन से एक दिन ये मोहन मदन, बोले अर्जुन से एक दिन ये मोहन मदन, जीव संकट में जाए तो मैं क्या करूं। बोले अर्जुन से एक दिन
करना सफलता मेरे हाथ है, कर्म करना मनुष्यों का कर्तव्य है, उसमें देना सफलता मेरे हाथ है। आप ध्यान देना, इस भजन की एक एक पंक्ति में श्रीमद् भगवत गीता के मुख्य मुख्य अंश से बात समझाई गई है। इसलिए इन पंक्तियों में जो भाव भरा हुआ है वो भगवान के श्रीमुख वचन श्लोकों को भी साथ साथ में उद्धृत करते जाएंगे, ध्यान देते जाना। तो कर्म करना मनुष्यों का कर्तव्य है, उसमें देना सफलता मेरे हाथ है। भगवान ने कर्मयोग जब समझाया तो क्या कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले तुर्भुर्माते संगस्तु कर्मणि। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, करते रहो, फल देने की फल की चिंता मत करो, फल देना मेरा काम है, मैं प्रदान करता हूँ। और आगे क्या कहा, स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धिम लभतेन्द्र, अपने अपने कर्म में जीवात्मा लगा रहे, मनुष्य लगा रहे, अपने अपने कर्म को करता हुआ ही सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। वह चाहे मुझे प्राप्त करना रूप सिद्धि क्यों ना हो, मोक्ष प्राप्त रूपी सिद्धि क्यों ना हो, मेरा भजन करता रहे, मेरे चरणों में लगा रहे तो मुझे भी सिद्ध कर लेगा, अर्थात मुझे भी प्राप्त कर लेगा। कर्म करना मनुष्यों का कर्तव्य है, उसमें देना सफलता मेरे हाथ है। कर्म करना मनुष्यों का कर्तव्य है, उसमें देना सफलता मेरे हाथ है। काम है ता सफल होती कृपा मेरी, सफल होती कृपा मेरी। अभिमान आए तो मैं क्या करूं, काम होता सफल होती कृपा मेरी। मन में अभिमान लाए तो मैं क्या करूं, बोले अर्जुन से एक दिन ये मोहन मगन, जीव संकट में जाए तो मैं क्या करूं। सुंदर रची यह मनुष्य शरीर मैंने प्रदान किया है, शरण आने की शक्ति और बुद्धि भी दी। तो बुद्धि तो समझ में आता है, अर्थात भगवान ने ज्ञान प्रदान किया, लेकिन ये शक्ति प्रदान करना क्या है, शरण में आने के लिए भी भला शक्ति चाहिए क्या? हाँ, क्यों, भगवान ने शरीर बनाया, शरीर में स्वयं विराजमान होकर के रहते, शरीर को संचालित करते, इधर उधर चलता फिरता, हाथ जोड़ता नहीं जोड़ता, हाथ से काम करता, ज्ञानेंद्रियों से जानता, ज्ञान प्राप्त करता, कर्मेंद्रियों से कर्म करता, उसका फल प्राप्त करता, लेकिन सांसारिक विषय भोगों को भोगने में लग जाता। और शक्ति क्या दी है,
हाथ जोड़ना चाहिए भगवान के आगे, पैर चलना चाहिए भगवान के मंदिर की तरफ, आंख दर्शन करना चाहिए भगवान का, पढ़ना चाहिए भगवान से संबंधित साहित्य को, भगवान के चरित्रों को बताने वाले ग्रंथों को। ये शक्ति भगवान ने प्रदान की। शरीर में बल है तो करते हैं, हाथ जोड़ लेते, पैर पढ़ लेते, प्रणाम कर लेते, साष्टांग प्रणाम कर लेते, और शरीर में बल रहता तो बुद्धि भी काम करती, नहीं तो वो भी नहीं काम करती, मन भी काम नहीं करता। तो ये सब कुछ अर्थात संसार में मनुष्य शरीर पाकर के जीवन निर्वाह के लिए जो कुछ व्यवस्था है वो सब भगवान की हुई। तो शरण में आने की शक्ति और बुद्धि भी थी, लेकिन माया मोह में फंसकर तड़पता रहे। तो भगवान कह रहे हैं काम ज्ञान प्रपद्यन्ते देवता तम तम नियम आस्था प्रकृत्य अनिता से। और साथ में और क्या कहा भगवान ने, कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया जाता है वो अन्य देवी देवताओं को भजते पूजते और इसी लोक में रहकर के दुख पाते हैं, और ऐसे माया के द्वारा कामना के द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले कैसे हैं। हम माया परितक ज्ञान आसुरम भावमशदा, माया के द्वारा ज्ञान जिसका हर लिया गया है वो आसुरी भाव को प्राप्त अर्थात पाप कर्म करने प्रवृत्त हो जाता है, मेरा भजन करता नहीं और संसार में पड़ पड़ करके दुख भोगता है। और ये भगवान ये भी कह रहे हैं कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया वो मुझे नहीं भजते। कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया वो मुझे नहीं भजते, अन्य देवी देवताओं को भजते हैं। तो ये सुनकर के निर्णय कर लेना, निश्चय कर लेना, समझ लेना, जान लेना क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन सब बातों का तात्पर्य तो यह है कि एकमात्र भगवान विष्णु नारायण जो श्री कृष्ण बने हैं उन्हीं को भजना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं माया मोह में फंसकर तड़पता रहे, माया मोह में फंसकर तड़पता रहे, अगर मुझे भूल जाए तो काम है ये मेरा। ध्यान देना, वेद और पुराणों में लिखा है ये। क्या हरना दुखियों का दुख, जो दुखी है उसके दुख को हर लेना मेरा काम है, तो सृष्टि ही उसके लिए की है दुखियों का दुख हरने के लिए। और जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं अवतार लेता हूं, जब जब धर्म की हानि होती है पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों की हानि होती है उनको दुख होता, तो अवतार ग्रहण करता हूं मैं और सबका कल्याण करता हूं। इसलिए भगवान ने कहा क्या धर्म की हानि होने की बात कहां पर गई। तीसरे अध्याय में भगवान इस बात को कह रहे हैं, उसके आगे सब कुछ समझाया है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि यदा यदा
धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्। धर्म की हानि होती है, जीवात्मा दुख पाता है, तो मैं सृष्टि करता हूं। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो ये धर्म की हानि, भगवान का धर्म क्या है ध्यान देना, भगवान का धर्म यह सृष्टि इत्यादि करना, ये सब किस लिए है? प्रजा जीवों के कल्याण के लिए। और इसी धर्म की हानि हो जाती है तो भगवान सब समेट लेते हैं, सारी सृष्टि समेट लेते, सब उधर में समा जाता और पुनः उसको प्रकट करते, उत्पन्न करते। जो भगवान के नित्यधाम वैकुंठ पहुंच गया वो सदा के सुखी हो गया, जो बचा हुआ है उसके लिए पुनः सृष्टि करते हैं। ये बार बार का भगवान का क्रम कैसा है? तो भगवान कह रहे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब धर्म की हानि होती है तो मैं उतार लेता हूँ, जीवात्मा का कल्याण करता हूँ। लेकिन इतना सब कुछ अर्जुन कह देने के बाद भी, बता देने के बाद भी, अनेक शास्त्र पुराणों से जानने के बाद भी, और मैं तो वेदांत वेद्य कहा जाता हूँ, वेद वेद्य कहा जाता हूँ, वेद के द्वारा मुझे जाना जाता, वेदांत के द्वारा मुझे जाना जाता, क्या इतना सब होने के बाद भी जीवात्मा कहाँ मानता है? तो इतना सब कुछ, और ऐसा नहीं रात दिन लोग कथा श्रवण कर भी रहे हैं, सत्संग कर भी रहे हैं, खूब चर्चा कर रहे हैं भगवान के विषय में, लेकिन भगवान दुखी है किस बात से? रात दिन ज्ञान की चर्चा सुनता रहे, रात दिन ज्ञान की चर्चा सुनता रहे। और ये सबके लिए है। आज सातवां दिवस भगवान के शरणागति के विषय को जो श्रीमद् भागवत से भी, श्रीमद् भगवत गीता से भी, वाल्मीकि रामायण से भी, रामचरितमानस से सबसे प्रतिपाद्य जो भगवान के शरणागति का विषय, उस शरणागति की बात को सुनकर के जान करके नहीं माना, भगवान के शरणागत नहीं हुए, तो उसके लिए भी भगवान की यह बात है। रात दिन ज्ञान की चर्चा सुनता रहे, रात दिन ज्ञान की चर्चा सुनता रहे। अगर सीधा क्या है? मुक्ति का सीधा मार्ग भगवान ने गीता में अनेकों जगह कहा, वैसे अन्य शास्त्रों में भी सब जगह वर्णन है ही, लेकिन अभी ये उपदेश युद्ध भूमि का चल रहा है, तो भगवान ने क्या कहा है अनेकों जगह? अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अध्याय 9 श्लोक 21। अनन्य चेता सततम् यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं कल्वा पार्थ नित्यस्य योगिनः। सातवें अध्याय में। और मनमना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु। अठारहवें अध्याय में जहाँ जहाँ का याद सब बता देते हैं, सब अनंत है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तते। आठवें अध्याय में। और न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नाधमा माया परितज्ञाना असुरम्भावमाशदा। जो मुझे नहीं बचते वो मूढ़ नराधम है, भगवान कह रहे हैं, भगवान इसके जिम्मेदार। इसीलिए तो भगवान को दुख है, कह रहे हैं नहीं मानता तो मैं क्या करूं, सीधा सीधा रास्ता तो बताया है। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। और भी बहुत कुछ समझाते हुए भगवान सबसे अंत में क्या कहे हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुतः। मेरी एकमात्र मेरा चरणा से दास बन करके रहो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा दूंगा और मोक्ष प्रदान कर दूंगा, चिंता नहीं करना। इतना वचन भगवान ने प्रदान कर दिया, वही यहाँ पर क्या कह रहे हैं आगे?
विमुख हो जाओगे तो पछताओगे, मेरे शरण में आओगे तो मुझे पाओगे, विमुख हो जाओगे तो पछताओगे, मेरी शरण में आओगे तो मुझे पाओगे, मुझसे विमुख हो जाओगे तो पछताओगे। यान्ति देवव्रता देवान् पितृन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोऽपि माम्। जो देवी देवताओं को भजता वो देवी देवताओं के लोकों को जाता, देवी देवताओं को प्राप्त करता। जो भूत प्रेतों को भजता भूत प्रेतों के लोकों में जाता उनको प्राप्त करता। जो पितरों को भजता वो पितरों को प्राप्त करता है, और जो मुझे भजता है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो कहा अंतर क्या है प्रभु आपके लोक में आपको प्राप्त करने में और देवी देवताओं भूत प्रेतों को पितरों को प्राप्त करने में अंतर क्या है? ब्रह्म भुवनान् लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य दुखोन्ते पुनर्जन्मन विद्यते। जो देवी देवताओं के भूत प्रेतों के पितरों के लोकों में जाता है वहां के सुख दुख इत्यादि को भोगता और फिर इसी मृत्यु लोक में गिरा दिया जाता है, और जो मेरे लोक में जाता है वो फिर जन्म ग्रहण नहीं करता, इस लोक में जन्म नहीं होता, वो यहाँ लौट करके नहीं आता। इसलिए मेरी शरण में आओगे तो मुझे पाओगे, मुझसे विमुख हो जाओगे तो पछताओगे। मेरी शरण में आओगे तो मुझे पाओगे, मुझसे विमुख हो जाओगे तो पछताओगे। मेरी शरण में आओगे तो मुझे पाओगे, विमुख हो जाओगे तो पछताओगे। सारा गीता का ज्ञान बताया मगर, सारा गीता का ज्ञान बताया मगर, कोई माने ना माने तुझे क्या कर। सारा गीता का ज्ञान बताया मगर, कोई माने ना माने तुझे क्या कर। बोले अर्जुन से तुझे मोहन मन, जीव संकट में जाए तो मैं क्या करूं। बोले अर्जुन से तुझे मोहन मन, जीव संकट में जाए तो मैं क्या करूं। जीव संकट में जाए तो मैं क्या करूं, जीव संकट में जाए तो मैं क्या करूं। तड़प तड़प ध्वनि सुन रहे थे ना, ये भगवान की आगे भगवान की बात नहीं मानने पर जो संसार का संकट दुख भोगना पड़ता है ये उसी की तड़प तड़प ध्वनि है। बोले श्री कृष्ण भगवान जय। ये हमारे संगतकार भगवान के वचनों का पूरा भाव लेकर के ही वादन करते हैं संगीत का। जय हो। तो सारा गीता का ज्ञान बताया मगर कोई माने न माने तो मैं क्या करूं, ये भगवान का भी वचन है, ये वेदव्यास जी का भी वचन है, ये सुखदेव जी का भी वचन है, और ये पूरे श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान जिसकी दिव्य दृष्टि से संपादित हुआ है। भगवान ने तो वचन से कहा और संजय धृतराष्ट्र के सेवक सारथी उनको वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी कि कुरुक्षेत्र में क्या क्या हो रहा सब देखना और धृतराष्ट्र को बताना। तो ये संजय का भी वचन है। क्या भगवान ने तो सारा गीता का ज्ञान बता दिया, सब कुछ बता दिया, कोई नहीं मानता तो। और ये दूसरी तरह से देखा जाए तो संजय की तरफ से धृतराष्ट्र को शिक्षा है और एक व्यंग भी है। व्यंग भी शिक्षार्थ होता है, ऐसा नहीं कि व्यंग केवल हंसी उड़ाने के लिए नहीं, व्यंग शिक्षार्थ होता है। कहा ये सब भगवान ने समझाया नहीं माना, आपने नहीं माना ना, क्यों? भगवान ने तो धृतराष्ट्र को भी समझाया था ये सब अनर्थ हो रहा है, रुकवा दो, आप महाराज हो, आपके रुकवाने से सब मान जाएंगे, लेकिन नहीं माने धृतराष्ट्र, नहीं माने। और साथ साथ संजय यह भी इशारा कर रहे हैं धृतराष्ट्र को, जो हुआ सो हुआ, अब आप भगवान की शरण हो जाओ, जिसको मरना था मर गया, जिसको राज्य मिलना था वो उसको मिल गया, आप भगवान की शरण हो जाओ, इसी में कल्याण है। क्या कहा सबसे अंतिम श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में, सबसे अंतिम श्लोक, 700 श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता में, 700वां श्लोक क्या है?
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। कहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण जैसा मार्गदर्शक जहाँ हो, अर्जुन जैसा शिष्य, कृष्ण के बताए मार्ग पर चलने वाला वहाँ सदा श्री विजय रहा करेगी, वास करेगी, मेरा दृढ़ निश्चय है महाराज। ये संजय का वचन है। और अर्थांतर से देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, हर एक मनुष्य अपने जीवन में एक युद्ध लड़ ही रहा है, ये हमारा मत है। अपने जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, अपने आप से, अपने किए हुए पाप कर्म के फल स्वरूप प्रतिकूल परिस्थितियों से हर एक जीवात्मा मनुष्य लड़ ही रहा है। संसार में सुख प्राप्त करने के लिए अनंत काल से प्रयत्नशील है, लेकिन सुख नहीं मिला, लड़ रहा है संसार से, माया से लड़ रहा है। और भगवान इन सब से जीतने का मार्ग बता रहे हैं, मेरी शरण में आ जाओ बस। अर्जुन को कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब कुछ समझाया। इसलिए भगवान के बताए मार्ग पर चलिए, भगवान के बताए मार्ग पर, भगवान के दिखाए रास्ते पर चल करके ही संसार में भी सुख मिलेगा। जब शरीर छोड़ के भगवान के धाम को, अथवा जब शरीर छूटे तो भगवान के धाम को पहुंचेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे, भगवान के बताए मार्ग पर चल करके। यही सार है श्रीमद् भगवद गीता का। अर्जुन इत्यादि पांडवों ने राज्य प्राप्त कर लिया भगवान के बताए मार्ग पर चल करके। यह जो सेवा हमको प्राप्त हुई है, आज सातवां दिवस है, पूरी तरह नहीं कर पाने का क्षोभ है मन में, समय काल की मर्यादा है। महाभारत के युद्ध में अनेकों प्रसंग ऐसे भरे हुए हैं जो भगवान के शरणागति पर विश्वास पूर्णतः करा देते हैं, अनेकों प्रसंग। एक प्रसंग को स्मरण करते हैं फिर आगे चलते हैं। महाभारत का युद्ध इस श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान उपदेश के बाद आरंभ हुआ, और कईयों बार ऐसी स्थिति बनी जैसे पांडवों के समाप्त हो जाने का निश्चय सबने कर लिया कि अब पांडव नहीं रहेंगे। उसी में से एक प्रसंग ऐसा है कि कई दिन बीत गए हैं युद्ध चलते हुए, दुर्योधन ने भीष्म पितामह को फटकार लगाई। भीष्म पितामह कौरव सेना के सेनापति हैं, प्रधान सेनापति। भीष्म पितामह को फटकार लगाई, कहा पितामह आप युद्ध हमारे खेमे में खड़े होकर के कर रहे हैं, लेकिन मालूम होता है कि हमारे सेनापति होते हुए आप पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहे हैं। भीष्म पितामह बड़े दुखी हुए, कहा क्यों क्यों लगता है तुमको ऐसा? कहा आप ऐसे योद्धा जिनको परशुराम, भगवान कृष्ण, इन दो के अलावा कोई हरा नहीं सकता है, आपके जैसे योद्धा के हमारे प्रधान सेनापति होते हुए भी कौरव पांडवों का कुछ नहीं बिगड़ा और हमारी सेना समाप्त होती जा रही है, ऐसे ही चला तो समय दूर नहीं, हम सब भी मारे जाएंगे, और बहुत अनुचित गलत गलत बातें कह डाली भीष्म पितामह को। क्रोध आ गया भीष्म पितामह को। जैसे भीष्म पितामह के हस्तिनापुर के राज सिंहासन को सुरक्षित रखने की प्रतिज्ञा को चैलेंज कर दिया हो दुर्योधन ने, पांच बाण निकाल करके रख दिए भीष्म पितामह ने और हाथ उठाकर प्रतिज्ञा कर दी, कल पांचों पांडव पृथ्वी से उठा दिए जाएंगे। बस कौरवों को आनंद हो गया, उत्सव मनाने लगे, कल तुम पांडव मारे जाएंगे और अब सब कुछ हमारा होगा। पांडवों ने भी यह वचन सुना था भीष्म पितामह का,
उदासी छाई हुई है, मातम छाया हुआ है। युद्ध विराम हो चुका है आज का। संध्या काल के बाद सब अपने अपने शिविर में अंधेरा करके हुए ध्वजाएं झुका करके उदास मन से बैठे हुए हैं। प्रतिदिन युद्ध के बाद सब एक साथ बैठ करके एक दूसरे का कुशल छीन पूछते, अगले दिन की रणनीति बनाते, युद्ध नीति बनाते। आज किसी को ये सब कोई काम नहीं, सब अकेले बैठे इसी चिंता में है कल मरना है। पांडवों के अन्य साथी जो हैं वो भी इसी चिंता में, पांडव ही मार दिए जाएंगे तो हम कहाँ बचने वाले। भगवान पांडवों में युधिष्ठिर भीम के पास गए, नकुल सहदेव के पास गए, चारों चिंतित थे। रात्रि का समय है, भगवान ने समझाने का प्रयास किया। भीम ने कहा, प्रभु कल मार दिए जाएंगे, अब किस बात के, क्या विचार करें और क्या न करें। पितामह की प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं हुई तो कल कैसे झूठी हो जाएगी। चारों भाई के पास जाकर के भगवान ने यही देखा। उसके बाद अर्जुन के पास गए, भगवान अर्जुन जहाँ विश्राम करते थे, अर्जुन निश्चिंत भाव से सो रहे थे, पैर फैला करके एकदम निश्चिंत। भगवान ने जगाया, पार्थ उठो जागो। अर्जुन उठ करके भगवान के चरणों में प्रणाम किए, केशव इस समय पधारे, बड़ी कृपा की, कोई विशेष कारण? भगवान ने कहा, कोई विशेष कारण आप भी ढूंढ रहे हो? पांचों पांडवों के मारने की प्रतिज्ञा पितामह ने कर ली और कारण ढूंढ रहे हो, चिंता नहीं है? अर्जुन ने कहा, केशव चिंता, जिस समय चिंता थी तो आपने ही दूर किया था ना, आपने ही तो कहा था मेरी शरण में आ जाओ, मेरे द्वारा आज्ञापित कर्म मान करके इस युद्ध को करो, कर रहे हैं। हर युद्ध में मरना जीना लगा रहता ही, अभी आपने कहा था, ठिठोली करने आए हैं? आप जो करेंगे सब मंगल में है, हमें मालूम है, हमें नहीं है चिंता। भगवान ने कस कर कष्ट से लगाया अर्जुन को, कहा पार्थ ऐसा विश्वास तो किसी का नहीं मेरे प्रति। अर्जुन ने फिर कहा, प्रभु आपकी कृपा से जो आपको जान जाएगा उसका विश्वास हो जाएगा आपके प्रति, आपकी कृपा पर विश्वास होना चाहिए, बस हमें है विश्वास। भगवान ने कहा ठीक, सो, निश्चिंत होकर के सो। अब भगवान उसके बाद द्रौपदी के पास पहुंचे, द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। द्रौपदी तो भगवान की सखी है। भगवान ने कहा, सखी दुख हो रहा है, परेशान होना? द्रौपदी ने कहा, हाँ परेशान हैं, दुखी हैं, हमारे पांचों पति कल मार दिए जाएंगे, लेकिन यह जो प्रतिज्ञा इन पांचों भाइयों ने की हैं, आप उस प्रतिज्ञा की रक्षा करेंगे, उस प्रतिज्ञा की लाज रखेंगे, हमारे सौभाग्य की रक्षा करने की चिंता आपने सदा की है, दुर्वासा के कोप से आपने बचाया, वस्त्र हरण हो रहा था कुरुराज सभा में, हस्तिनापुर की सभा में नग्न की जा रही थी, उस समय भी रक्षा आपने तो की, किसने की, हमारे पति थोड़ी कम आए थे। आप जो करेंगे सब जानते हैं, मंगल में हैं, हम क्यों चिंता करें, मनुष्य का स्वभाव है चिंता हो जाया करती है। भगवान ने कहा ठीक है, चलो हमारे साथ। इसी तरह रात्रि बीत गई है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, भगवान द्रौपदी को लेकर के चले। भगवान ने भी स्त्री का वेश बनाया, लंबा सा घूंघट काढ़ा, द्रौपदी चरण पादुका पहन करके चल रही थी, और भीष्म पितामह इत्यादि ऐसे ज्ञानी थे कि पदचाप चरणों की आवाज सुनकर के जान जाते कौन आ रहा है। भगवान ने कहा चप्पल उतारो, ये पादुका उतार दो। उस पादुका को बाजू में दबाया, भगवान ने कहा चलो। भीष्म पितामह के शिविर में जाकर के प्रणाम किया द्रौपदी ने, भगवान ने जैसे बताया था वैसे ही। भीष्म पितामह ध्यान अवस्था में बैठे हैं और द्रौपदी कुल की वधू बहू है, प्रणाम कर रही है, लेकिन भीष्म पितामह ने आंख खोलते ही आशीर्वाद दे दिया, कोई बहू प्रणाम कर रही इतना ही जान पाए, आशीर्वाद दे दिया सौभाग्यवती भव। द्रौपदी उठ करके खड़ी, हाथ जोड़ करके पूछा, पितामह आपने अभी आशीर्वाद दिया, ये सत्य होगा? ये कल प्रतिज्ञा की है वो सत्य होगी? भगवान ने कहा था द्रौपदी को, जितना कह रहा हूं उतना ही बोलना, उससे एक अक्षर इधर उधर नहीं बात करना।
हमको भी जीवन में सुख शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए। भगवान की आज्ञा अनुसार जीवन निर्वाह करें, सब सुख शांति समृद्धि सब कुछ मिलेगा। और इस जीवन के बाद भगवान का दिव्य धाम मिलेगा, सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। भगवान के बताए अनुसार चलना, उसमें कोई राय रत्तु इधर बराबर भी इधर उधर नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई लेकिन बाद में पहले नहीं। भगवान ने जैसा कहा बस बस। पितामह ने पूछा कौन हो तुम, आंख उठा करके देखा कहा द्रौपदी कैसे आई यहां। द्रौपदी ने उत्तर नहीं दिया, भगवान ने कहा था जितना हम कह रहे उतना ही बोलना, और उत्तर यदि ज्यादा सवाल जवाब पितामह करें तो तुम फिर वही पूछना जो कहा है। द्रौपदी ने फिर पूछा आपने अभी प्रतिज्ञा अभी आशीर्वाद दिया वो सत्य होगा या कल प्रतिज्ञा की वो सत्य होगी। भीष्म पितामह उठ गए सिंहासन से, अपने अपने कक्ष के बाहर आए, दरवाजे के बाजू से भगवान घूंघट काढ़े हुए खड़े थे और द्रौपदी भी आ गई पीछे पीछे। भीष्म पितामह ने कहा घूंघट उठाओ तुम कौन हो। भगवान ने अपना स्वरूप दिखा दिया, जी भर के दर्शन कर लिए। पितामह ने खूब आनंदित हुए, चरणों में लौट गए। भगवान ने उठाया भीष्म पितामह को और कहा, भीष्म पितामह फिर बोले द्रौपदी से, कहा ये छलिया कृष्ण जो सबके रक्षक हैं, ये जिसकी रक्षा करेंगे उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बाल विवाह का नहीं होगा, जाओ अभी आशीर्वाद दिया यही सत्य होगा, मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी। द्रौपदी को लेकर के भगवान आ गए, युद्ध आरंभ हुआ और अर्जुन ने चुन चुन करके एक एक अंग भेद डाला बाणों से। भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर सुला दिया। पितामह बोले मेरा सिर नीचे लटक रहा है, तकिया चाहिए। दुर्योधन ने सेवकों कहा जाओ दौड़ लेकर के शिविर से तकिया लेकर के आओ। पितामह ने कह दिया नहीं, जिसने शैया प्रदान की वो तकिया भी देगा। अर्जुन समझ गए भीष्म पितामह के हृदय के भाव को, दो बाण मारे सिर के नीचे तकिया लगा दी, कहा प्यास लगी है पृथ्वी में बाण मारा। गंगा पुत्र भीष्म की माँ गंगा वहीं से प्रकट हुई और जल पिला दिया। युद्ध का परिणाम क्या हुआ सब जानते हैं। धर्म की रक्षा भगवान ने किस प्रकार की, महाभारत का युद्ध हुआ, 18 अक्षौणी सेना एकत्रित हुई थी, सब मारे गए, 7 लोग बचे, 5 पांडव कृपाचार्य और अश्वत्थामा, बाकी सब मारे गए। भगवान के बताए मार्ग पर ये लोग चले थे बस। अश्वत्थामा भगवान के बताए मार्ग पर नहीं चले, चिरजीवी होने का वरदान था, सो वरदान चिरजीवी होने का प्राप्त करके अभी जीवित हैं, हिमालय के किसी खोखंदरा में रह करके अभी जीवन निर्वाह कर रहे हैं। आजकल के लोगों को ढूंढने मिलेंगे नहीं। और भगवान ने धर्म की स्थापना कर दी, पांडव रक्षित हुए, इस तरह से भगवान ने पृथ्वी का बहुत सारा भार उतार दिया। आगे सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं परीक्षित, भगवान ने शिशुपाल को मार दिया था, शिशुपाल का संबंधी था, दंतवक्त्र और मित्र भी था। शिशुपाल दंतवक्त्र के आंखों के सामने भगवान के द्वारा मारा गया था, शिशुपाल वैर बांधे हुए था। महाभारत युद्ध के उपरांत दंतवक्त्र भी सेना लेकर के द्वारकापुरी पर आक्रमण करने चला, भगवान ने उसको भी मार डाला, सर काट लिया, उसके शरीर से दिव्य ज्योति निकली, भगवान के उदर में समा गई, भगवान के मुख में समा गई। इसकी मृत्यु का रहस्य भी वही है जो शिशुपाल के मृत्यु का रहस्य था। शाल नरेश भी इन्हीं सब का मित्र था, वो भी वैर रखता था भगवान से, भगवान पर आक्रमण करना चाहा, भगवान ने उसको भी सदगति प्रदान कर दी, वध कर दिया उसका। उसके बाद सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, ऐसी भगवान की कृपा अनेकों के ऊपर, युद्ध के माध्यम से, चक्र के माध्यम से, शंख के माध्यम से, गदा के माध्यम से, किसी को उपदेश के माध्यम से, किसी को प्रेम प्रदान के माध्यम से प्राप्त हो रही है। ऐसे ही भगवान की प्रेम वात्सल्य की कृपा, भगवान के आश्रित रक्षकत्व वाली कृपा, भगवान का प्रेम, भगवान के विद्यार्थी काल के मित्र सुदामा जी को प्राप्त हुआ। परीक्षित निवेदन के गुरुदेव इस प्रसंग को कृपया विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी सुनाना आरंभ कर रहे हैं, परीक्षित
भगवान सांदीपनि मुनि के यहाँ गुरुकुल में जाकर के विद्या अध्ययन किया करते थे, पहले सुना चुका हूँ। वहाँ भगवान के इष्ट मित्र थे सुदामा नाम के ब्राह्मण। भगवान और बलदाव जी विद्या अध्ययन करके लौट आए थे। सुदामा जी भी विद्या अध्ययन करके अपने गांव में जाकर के निवास किया करते, विवाह इत्यादि हो गया था। कई बच्चे थे, बड़ी गरीबी अवस्था। गरीबी अवस्था भी कैसी है, वस्त्र कटे फटे से हैं, कई जगह जोड़ लगाए, कई जगह सुई धागे से सिला हुआ गांठ लगाई हुई, घुटने तक की धोती पहना करते, कंगोचा कांधे पर रखते, भिक्षा मांग करके जीवन निर्वाह किया करते हैं। इनकी स्त्री है, उनका नाम है सुशीला। वह भी गरीब व्यवस्था में इसी प्रकार साड़ी में कई जगह गांठ लगा करके सिल करके पहनी हुई है। बच्चे लंगोटी लगा करके दहा करते, बच्चों को भूख लगती और कभी पाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है तो सुशीला जी आटे में पानी मिला करके घोल देती हैं और उसी को दूध कह करके बच्चों को दे देती है, दूध पी लो पेट भर जाए। लेकिन भगवान के भजन की स्थिति छूटती नहीं सुदामा जी की। ऐसी अवस्था में भी भगवान का भजन करते रहते और याद करते रहते भगवान के गुणों को। एक दिन सुशीला जी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, हमने सुना है द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। हाँ, तो अपने मित्र से कभी मिलने के लिए नहीं जाना चाहिए क्या? जीवन में इतना दुख है, उनके दर्शन मात्र से सब छूट जाएगा। सुदामा जी ने कहा, सुशीला, भगवान के दास को भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, निष्काम प्रेम निष्काम सेवा करनी चाहिए। सुशीला बोली, हम मांगने को कहाँ कह रही हैं, हम तो ये कह रही हैं कि दर्शन करने जाना चाहिए। क्या यह दास का कर्तव्य नहीं है? इस प्रकार से बहुत सी वार्तालाप हुए, सुदामा जी को हट करके समझा करके भगवान के पास जाने के लिए तैयार कर दिया। बोले, ठीक है, जाता हूँ मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए, लेकिन कुछ भेंट लेकर के जाना चाहिए ना। हाँ, कहा, दे दो कुछ हो तो। पड़ोस में जा करके थोड़ा सा तंडुल ले आई, पुराना सा कपड़ा गंदा पड़ा हुआ था, उसमें बांध करके दे दी एक पोटली। सुदामा जी भगवान का स्मरण ध्यान करते हुए चल दिए। समुद्र के तट पर पहुंचे तो यही संध्या काल का समय हो रहा, अंधेरा हो रहा है। दूर से एक नाविक आता हुआ दिखाई दिया। नाविक ने आवाज लगाई, भैया तनिक ठहरो, हम आ रहे हैं। वहीं कहाँ जाना चाहते हो? सुदामा जी ने कहा, भैया द्वारिकापुरी जाना है। कहा, ठहरो, आते हैं। वो नाविक आया नाव लेकर के, सुदामा जी को नाव में बिठाया, चल दिया। बड़ी मधुर मधुर वार्तालाप कर रहा है, कह रहा है, हम भी जा रहे हैं सुदामापुरी को ही, हम भी जा रहे हैं द्वारिकापुरी को ही, चलिए साथ में चलेंगे। ऐसे ही वार्तालाप करते हुए सुदामा जी देख रहे हैं, ये तो कभी देखा सा लगता है, पता नहीं, सुंदर सांवला शरीर है, लेकिन भगवान जैसा अल्लाह का स्वरूप था, घुटने तक धोती पहने, सिर के ऊपर मुरठा बांधे हुए नाव चला रहे हाथ, लेकिन बंसी फेटे में खोसी हुई है ही। सुदामा जी सोच रहे, कभी देखा हुआ सा लगता है, पता नहीं कौन है, और भगवान अपनी बातों से मुँह लिए रहे, बारी भगवान ही नाविक बन करके आए हैं, लेकर के चल दिए। अंधेरा हो गया है, तट पर पहुंच गए हैं। कहा, भैया ठीक है, थोड़ी देर यहीं, आज रात्रि भर यहीं विश्राम करते हैं, सुबह कुछ देर की यात्रा है, वहां से चलेंगे, फिर द्वारिकापुरी पहुंच जाएंगे। पहुंच गए रात्रि विश्राम, सुदामा जी भगवान का ध्यान करते हुए रात्रि विश्राम किए। प्रातः काल नींद खुली तो नाविक न नाव न समुद्र न पानी न किनारा। उठ करके खड़े हुए, सोचे पता नहीं कुछ होगा, जो भी कारण है। थोड़ी दूर चले ही थे, बड़ा सुंदर नगर दिखाई दिया, बड़ी बड़ी गगनचुंबी अट्टालिकाएं, महल, सोने हीरे रत्न मोती जवाहरात से जड़ी हुई पूरी दिखाई दे रही है। अंदर प्रवेश किया, खंभों में रत्न जड़े हुए हैं, कहीं स्फटिक मणि की सीढ़ियां हैं, कहीं किसी और मणि की, कहीं किसी रत्न की सीढ़ियां, दीवारें, फर्श इत्यादि। पहुंच गए,
और यही सब सोचते हुए भगवान के भवन के बाहर पहुंचे। द्वारपाल खड़े हुए हैं, पूछने लगे भैया द्वारकाधीश का भवन कौन सा है? एक द्वारपाल बोला यही है। क्यों? बोले हमें अपने मित्र से मिलना। कौन मित्र? बोले द्वारकाधीश श्री कृष्ण। दूसरा द्वारपाल बोला तुम्हारा मित्र? तुम्हारे मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण। अरे अपना चेहरा देखे हो? हट करने लगा। कहा नहीं नहीं द्वारकाधीश तुम्हारे मित्र कैसे हो सकते हैं? तुम अपने हाल को देखो, द्वारकाधीश को हमारे नाश को देखो। सुदामा जी सुन सुन करके दुखी हो गए, प्रार्थना करने लगे। अरे बार पालों कन्हैया से कह दो, अरे बार पालों कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीबा गया है। अरे बार पालों कन्हैया से कह दो, सुदामा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। नजर पे है पतड़ी, बदन पे जामा, बता दो कन्हैया नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे है पतड़ी, बदन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे है पगड़ी, नतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो, मिलने सखावत नसीबा गया है। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, मिलने सखावत नसीबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है।
पहले से सुदामा को मोहन आव लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले